तो जैसे ये बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको पेरेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे बचपन में ही इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, कर सकते हैं पेरेंट्स की बच्चों में क्या क्या हेल्थ की मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स है? नमस्ते, मैं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से। देखिए, बच्चों में जो हार्ट का डेवलपमेंट होता है इनिशियल वीक्स में चालू हो जाता है, और इसके बाद ये जब हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो इसमें अगर वो हार्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो तो उसके कारण से दिल में छेद या सिकुड़न, वाल में सिकुड़न, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो इनको देखने के लिए इनिशियली जो आप सोनोग्राफी कराते हैं, जो भी आप USG कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें कई बार ये पकड़ में आती हैं। कभी कभी उसमें आप नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए स्पेशली टारगेट स्कैन या न्यूनेटल का भी कंजनाइटल हार्ट डिटेक्ट करने के लिए इन विट्रो भी जब रहते हैं तब भी सोनोग्राफी करके या इकोकार्डियोग्राफी करके उनको पता किया जा सकता है कि दिल में छेद है या उस किसी वाल्व का डेवलपमेंट या किसी चैम्बर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसी तरीके से कुछ इस तरह अरिथमियाज होते हैं जिसमें धड़कनें कम या ज़्यादा होती हैं, उनको भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है बचपन में ही उनका अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। एक बार जब पैदा हो जाते हैं और उस टाइम नहीं हो पाए डिटेक्ट, तो फिर उसका इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा पता किया जा सकता है कि भाई इन बच्चों को जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको कोई हार्ट की समस्या है या नहीं है। इस तरीके से कई बार जब हर जगह इकोकार्डियोग्राफी हर पेशेंट के लिए इंडिकेटिव नहीं होता, हर इंसान बाहर से आके करा भी नहीं सकता है, तो इनिशियल जो उनमें लक्षण होते हैं वो इस तरीके रहते हैं कि हो सकता जो बच्चों में रहता है कि बार बार रो रहे हैं या उनकी छाती खिंच रही है, उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें छाती पसलियाँ चल रही हैं। तो पसलियाँ चलने के दो कारण होते हैं जिसमें सांस की बीमारी भी हो सकती है, उसका एक बहुत प्रमुख कारण हार्ट की बीमारी भी होती है जिसमें पसलियाँ चलती हैं। तो जब पसलियाँ चलती हैं तो इसको वैल्यूएट करना चाहिए कि ये क्या कारण थे, और कई बार इसके लिए जो आपके डॉक्टर देख रहे हैं, चाहे पीडियाट्रिशियन देख रहे हो या बच्चों के डॉक्टर देख रहे हो, उनमें कई बार हार्ट में कुछ अलग सी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं। जब उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो कहते हैं कि इनको हार्ट की बीमारी है और इनको जाके फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ कई बार इस तरीके से नहीं होता तो कुछ कैंप्स वगैरह में भी इस तरीके के डिटेक्शन होते हैं जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा करके चेक करा सकते हैं कि इनको कोई दिक्कत है या नहीं है। कई बार बच्चे नीले पड़ जाते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कंजेनेटल जिसमें बच्चों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एक तो इसके कारण भी दिक्कत हो सकती है कि उनको सांस की कोई बीमारी हो, और दूसरी ये भी दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है उनको हार्ट की बीमारी हो। तो जब नीले पड़ जाते हैं तो आपको उनका हार्ट का चेकअप जरूर कराना है, जब पसलियाँ ज़्यादा चल रही हैं तो भी आपको हार्ट का चेकअप कराना है, या कोई बच्चा रोता ही रहता है, उसका वेट नहीं बढ़ पा रहा, कुछ नहीं बढ़ पा रहा, तो और सारी बीमारी के साथ साथ कई बार ये भी हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। अब चूंकि ये बचपन का जो डेवलपमेंट होता है वो बचपन से ही होता है, तो अगर ये डेवलपमेंट कहीं रुक गया है तो इसका जितना जल्दी निदान किया जाए उतना अच्छा होता है। कुछ बीमारियां होती है कि जन्म के तुरंत बाद अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया जाए तो दिक्कत हो सकती है, कुछ बीमारियां इस तरीके की होती हैं कि दिल में छेद होते हैं, कुछ ऐसा कि जिनमें आप वेट करते हो कोई साल, उसका जब थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, थोड़ा 9-10 किलो का हो जाए, 4-5 किलो का, थोड़ा 1 साल से ऊपर हो जाए, तब आप उसका ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके की अलग अलग बीमारियां होती है, वो तो खैर जो आपके कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उसको देख करके उस बारे में बताते हैं, पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हाँ आप टारगेट स्कैन के द्वारा या उस दौरान आप कंजनाइटल में आप उसका इकोकार्डियोग्राफी करा करके आप चेक कर सकते हैं कि उनको बच्चों के हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद भी इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। और अगर किसी को बच्चा नीला हो रहा है या बार बार सांस चल रही है या उनके हाथ में छाती पे हाथ रखते हैं और उनको लगता है कि कुछ अलग सी आवाज़ें आ रही हैं, या आपके मतलब जो भी आप पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि तरीके हो रहा है, तो उसको फर्दर इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो जैसे इनिशियल एज में जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें यही बात रहती है कि आपका जो ऑस्कल्टेट करते हैं आप उसमें, तो उसमें कुछ अलग आवाज़ें दिखती हैं, तो उसमें आपको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। या फिर किसी को सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो उसमें भी कार्डियक इवोल्यूशन इंडिकेटर है कि उसमें देखना चाहिए कि हार्ट के कारण तो सांस नहीं खुल रही है। और इसके बाद अगर कई बार कुछ चीज़ें जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो फिर उनको तो रूटीन इकोकार्डियोग्राफी में आपको डिटेक्ट करना पड़ता है, वही इसी तरीके से पता पड़ती हैं। जैसा आजकल छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की बीमारियां सुनने को मिल रही हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, कुछ फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया होता है जिसमें बचपन से ही उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसमें LDL सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, वो 250, 300, 400, 500, इवन मैंने 600 की रेंज में देखा है।
तो ये जब इस तरीके से बड़ा रहता है तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, थोड़े बहुत बड़े होने से नहीं तो पर बहुत ज़्यादा बड़े होने से। तो ऐसे बच्चों में बहुत जल्दी जो है हार्ट की जो नसों का ब्लॉकेज हम बोलते हैं कि 30-35 साल के बाद या 25-30-40 साल के बाद थोड़ा होता है, वो अर्ली एज में भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग में आपको सभी का कोलेस्ट्रॉल करना चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर उन बच्चों को ये दिक्कत हो सकती है। और कुछ और हार्ट की अटैक जो हार्ट के अटैक नहीं होते पर सडन कार्डिक डेथ होती है, उसमें जो स्ट्रक्चरल जो हार्ट का बनावट है उसमें दिक्कत होती है। तो हार्ट की बनावट ठीक है या नहीं है उसको इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है कि अगर हार्ट की बनावट ठीक है तो फिर वो रिस्क काफ़ी कम हो जाती है कि किस तरीके से कुछ होगा, और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो भी आप इस तरीके की तरीकों से काफ़ी बच सकते हैं। कई बार पेरेंट्स का अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रॉल जो फैमिली में रन करता है, तो अभी रिसेंट में एक बच्चे में देखा गया कि उसकी जो सिस्टर है उसका 12-14 साल में उसको हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया था, अब उसके भाई को भी दिक्कत आने लगी इस तरीके की। तो ये फैमिली में रन करते हैं, तो इसलिए अगर किसी के भी एक अर्ली एज में किसी को हार्ट डिसीज़ हुई है तो उन फैमिली को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जाँच भी करनी चाहिए, और अगर इसी तरीके किसी का सडन डेथ हुआ है तो इकोकार्डियोग्राफी और बाकी टेस्ट से भी इवैल्यूएट करना चाहिए कोई स्ट्रक्चरल एनोमली तो नहीं है।